कैसी लीला है काना, मेरी भूख मिट कैसे गई। कुछ दिनों की बात है सुशीला, उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हिम्मत रखो, thank you.
चावल का एक दाना खाके बाकी का सारा खाना गाय को खिला दिया। लोग कहते हैं साईं बाबा सिद्ध पुरुष, अगर ये सिद्ध हैं तो अपने लिए और भी खाने का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। शायद लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते, जबकि हकीकत कुछ और है जो मैं देख रहा हूं। ये मददगार होंगे लेकिन सिद्ध पुरुष जैसी बात तो कोई मुझे लगी ही नहीं। ये सांप कहीं साईं बाबा को डस ना ले। आओ वीरभद्र। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। देखो मैंने तुम्हारे लिए दूध निकाल के रखा है। मेरी सारी शंकाएं मिट गईं। लोगों ने जो भी कहा था सब सच कहा था। साईं बाबा सिद्ध पुरुष है। अब मुझे यकीन है कि मेरी मनोकामना साईं बाबा पूरी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं इतने दिनों से भटक रहा हूं। सरकार, सरकार मुझे माफ कर दीजिए सरकार। सिर के बल खड़ा हूँ। अगर कुछ देर और यहाँ खड़ा रहा तो मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी सरकार। चुप। दिमाग है जो नसें फटने का डर है तुम्हें? एक तो उस गणपत हवालदार के कारण मुझे अपने मुनिम को निकालना पड़ा, ऊपर से पंता भी आ नहीं है, और तुझसे तो एक काम नहीं होता, तुझसे तो श्रमिक भी संभाले नहीं संभलते। मैंने तुमसे कहा था कि श्रमिकों को संभालने के लिए एक मुकादम ढूंढो, अभी तक तुम मुकादम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे कारण मेरा जो नुकसान हो रहा है उसकी प्रतिपूर्ति कौन करेगा वो बताओ। सरकार मैंने बहुत कोशिश की पर कोई भी आपके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है सरकार। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता संता। अगर दो दिन के अंदर तुमने मुकादम नहीं ढूंढा तो मैं इसी हालत में तुम्हें खेतों में जाकर खड़ा कर दूंगा कौओं को भगाने के लिए। सरकार, सरकार, ये कहां फंस गया मैं?
भिक्षाम देहि। राम जी भला करें। जी भला करें। काफी देर से तुम मुझे देख रहे हो लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। कल रात भी बिना कुछ बोले चले गए द्वारका माई से। क्या परेशानी है तुम्हें महादेव? आप सब जानते हैं, तो मेरी परेशानी भी जानते होंगे। लोगों की परेशानी केवल एक ही नहीं होती। तुम्हारी कौन सी परेशानी है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? बाबा, मैं बहुत जगह गया, बहुत लोगों से मिला, लेकिन हर जगह मुझे निराशा ही हाथ लगी। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूं? मुझे भगवान के दर्शन करने, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि साक्षात। मैं जानता हूं केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बचपन से सुनता आया भगवान हमसे प्यार करते हैं। जो कुछ इस संसार में हो रहा सब उसकी इच्छा से होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। जब जीवन उसने दिया है तो उसको देखे बिना मेरा जीवन कैसे सार्थक हो सकता है? आपसे हाथ जोड़कर विनती, मुझे मेरे भगवान के दर्शन करा दीजिए। मुझे मेरे भगवान के दर्शन करा दीजिए। महादेव, जिस मालिक ने तुम्हें बनाया उसी ने मुझे भी बनाया है, तो फिर भला मैं तुम्हें भगवान कैसे दिखा सकता हूं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान देख नहीं सकते। कैसे? भगवान का दीदार अपनी भक्ति, श्रद्धा और नेकी से कमाना पड़ता है, और यह आसान नहीं है। जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे तभी तुम भगवान को देख पाओगे। मैं तैयार हूं, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मैं भगवान के दर्शन पाकर ही रहूंगा और मुझे उनसे मिलवाएंगे आप।
सारे गांव में पूछ लिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ लगाओ जोर, शाबाश। ए, रुको, इसको उठाने में मदद करो इनकी, चलो। अरे खाते पीते नहीं हो क्या? उठाओ उसे, चलो। मीरानो जी, जरा इनकी लट्ठा उठाने में मदद करो, चलो। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी करो। शाबाश, लगाओ जोर, शाबाश, थोड़ा और, और 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 थोड़ा ऊपर, और थोड़ा, शाबाश, थोड़ी और जान, हाँ शाबाश, शाबाश। तुम लोगों के हाथ पैर में जान नहीं है क्या? खाना वगैरह नहीं खाते हैं? एक लट्ठा उठाकर ऊपर नहीं रख सकते? अगर मैं चाहूँ ना तो इसे एक ही झटके में उठाकर ऊपर रख दूँ। हाँ अच्छा, तो फिर देर किस बात की, उठाओ लट्ठा और रख दो अंदर। देख नहीं रहा तुम्हें, मैंने ये कीमती कपड़े पहने हैं, अगर ये उठाऊंगा तो ये खराब हो जाएंगे। तो जाइए ना, कपड़े बदल कर आइए, लेकिन ये लकड़ी का लट्ठा हमसे नहीं उठने वाला। मैं ये काम कर सकता हूं। ये लकड़ी का लट्ठा मैं ऊपर रख सकता हूं। तुम हो कौन भाई? कान्हो जी, गांव में नया नया आया हूं। ठीक है तो लग जाओ काम पर। कानो जी, हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। तुमने एक युक्ति निकाली और देखो काम हो गया। कानो जी, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। शुक्रिया। अगर दो दिन के अंदर तुमने मुकादम नहीं ढूंढा हो तो मैं इसी हालत में तुम्हें खेतों में जाकर खड़ा कर दूंगा। ए सुनो, देखो, तुम इस गांव में नए आए हो ना, क्या काम करते? काम के तलाश में ही शिरडी आया हूं। तो समझो तुम्हारी तलाश पूरी हो गई। आओ मेरे साथ। आओ ना, आओ मैं बताता हूं। आओ। आज जब तक पूरा खाओगे नहीं मैं यहां से जाऊंगी नहीं। तात्या ने बताया मुझे, बीती रात सारा खाना तुमने कपिला को दे दिया। अब तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो मुझे रखना ही पड़ेगा। मुंह खोलो। बाईजा माँ, तुमने ही तो आदत बिगाड़ी है मेरी। बस हमेशा मुस्कुरा के बच जाते।
साई, चलती हूँ। आज अष्टमी है ना, सोच रही हूँ घर जाकर देवी पाठ कर लूँ। आज अष्टमी है? हाँ। कुमकुम रख लो। क्यों? देवी पाठ के बाद घर और मोहल्ले की औरतों को हल्दी कुमकुम लगाना। जो औरतें इसे लगाएंगी उनके जीवन में सुख, शांति, सद्भाव और सौभाग्य होगा। गांव की हर सुहागन को एक कुमकुम जरूर लगाइएगा। कोई भी औरत छूटने ना पाए। लगता है साई किसी सुहागन औरत को लेकर बहुत चिंतित है, वरना अचानक से हल्दी कुमकुम के लिए नहीं कहता। कोई भी सुहागन छूटेगी नहीं मेरी तरफ से, चलती हूँ। अल्लाह मालिक। आज पाठ अच्छे से हुआ ना? हाँ, लेकिन भाई साहब का मुझे ये समझ नहीं आया कि साई ने आपको अचानक से हल्दी कुमकुम करने को क्यों कहा। अब ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। आई, मैंने सभी के घर जाकर सुहागिनों को तिलक लगा दिया है। शाबाश। वो अब कानू जी के यहाँ भी गई थी ना, अपने किराएदार? मैं तो भूल ही गई, सुशीला नाम है उनका, अभी जाती हूँ। अच्छा सुनो, तू रहने दे बहू, उनके यहाँ मैं चली जाती हूँ। तू थक गई होगी ना, तू पार्वती काकी के साथ बैठ बातें कर। ठीक है आई। अब भाई साहब कब? सुशीला हमारे यहाँ नई नई आई है, हमारे गांव में उसका पहला हल्दी कुमकुम है, तो सिर्फ तिलक लगाना काफी नहीं होगा। आप अपने साथ कोई श्रृंगार का सामान लेते जाइएगा। बिल्कुल सही कहा पार्वती बहनी, मैंने श्रृंगार की थाली पहले से बना के रखी है, इस बहाने उससे थोड़ा मेलजोल भी हो जाएगा। मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। सरकार, न जान न पहचान, फिर भी सारे मजदूरों से काम करवा लिया इसने। मुझे तो पूरा विश्वास है सरकार, सारे मजदूरों को संभालने के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति है ये। तुम्हें पक्का भरोसा है ना? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। माफ कीजिएगा सरकार,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? और संता जी ने तो खुद ही देखा है, और आप तो अनुभवी आदमी हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं निष्ठा, लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे वाह, अपने मुंह मियां मिठू। हर आदमी अपनी प्रशंसा में यही सब बातें कहता है। हरिओम, तुम कितने काम के आदमी हो ये तुम्हारा काम देख के ही पता चलेगा ना। दिहाड़ी पे नहीं, महीने के अंत में वेतन मिलेगा, स्वीकार है? एक महीने तक कोई पैसे नहीं मिलेंगे, बहुत कठिन होगा, पर कोई और काम भी तो नहीं मिल रहा। अगर स्वीकार नहीं है तो मेरा समय नष्ट मत करो, जाओ यहां से। जी जी, स्वीकार है। ठीक है, कल से काम पे आ जाना। सरकार, महीने का वेतन क्या होगा? वेतन मैंने के 7 रुपए दूंगा, 7। क्या हुआ? सरकार, 7 रुपए तो बहुत कम हैं। इस काम के तो 25-30 रुपए बनते हैं। अरे पैसे को मत देखो भाई, ये देखो तुम किसके साथ जुड़ने जा रहे हो। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितने खुश नसीब हो जो तुम सरकार के लिए काम करने जा रहे हो। सिर्फ पैसे को मत देखो, जो उसके साथ इज्जत मिल रही है उसे भी देखो। सरकार को इस गांव में लोग इतना मानते हैं कि उनके कर्मचारियों के साथ भी बहुत इज्जत से बात करते हैं लोग। आज से तुम इस गांव के प्रतिष्ठित लोगों में से एक हो। सच? और नहीं तो क्या। अरे किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो सरकार के सेवकों के साथ बदतमीजी से बात करे। ठीक है सरकार, मंजूर है तो मैं कल सुबह से काम पे आ जाऊंगा। हरिओम। संता। जी सरकार। आदमी नया है, इस पर गिद्ध की तरह दृष्टि बनाए रखो, इसके बारे में हर बात पता करो, ये कहां से आया है, इसका चरित्र क्या है, ये विश्वास के पात्र है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ काम करते करते हमारा ही काम तमाम कर दे। हरिओम। सरकार आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कल तक इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल दूंगा। साई, आपने जो सामग्री मंगवाई थी वो मैं लेकर आया हूं। पुदीना, नीम, तुलसी, हल्दी और कपूर। शुक्रिया तात्या। ये किस लिए है साई? ये सब कुदरत का दिया हुआ उपहार है हमें। सबकी अलग विशेषता है। कपूर, यह हमें आग देता है लेकिन इसकी उष्मा कम होती है। तुलसी, नीम, पुदीना, हल्दी सब औषधीय गुणों से भरपूर हैं।
ये दर्द दूर करती हैं। लेकिन किसका दर्द दूर कर रहे हैं साई? कौन जाने किसे इसकी जरूरत पड़ जाए। मेल जोल बढ़ाना तो सबसे बड़ी गलती होगी। तुम तो जानती हो ना लोग कैसे होते हैं, मीठे बनकर सारी बातें जान देते हैं, फिर उन्हीं बातों को लेके ताने मारते हैं। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी सासू भाई। आप? जी मैं बाइजा, तात्या की आई। आज घर में हल्दी कुमकुम था तो सुशीला के लिए कुमकुम और ओटी लाई हूँ। घूंघट खोल दो वरना तिलक कैसे लगा पाऊंगी। माफ करना बाईजा भाई, लेकिन हमारे घर की बहुएं पराए लोगों के सामने अपना घूंघट नहीं उठाती। लेकिन वो तो मर्दों के सामने ना, मैं तो औरत हूं, मेरे सामने घूंघट उठाने में उसे। मुझे मालूम है, ये नियम मैंने तो नहीं बनाया ना। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। मैं ओटी भरण कर देती हूँ और कुमकुम दे दूंगी। कुमकुम तुम खुद लगा लेना। मैं चलती हूं। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? इस घर में आईना होने का मतलब समझती है ना तू? देवा रे देवा, कान्हू जी ने अगर देख लिया तो पता है ना वो तेरे साथ क्या करेगा। तो फिर तू उसे मना नहीं कर सकती थी क्या? कैसे मना करती, क्या कहती? मना करने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन तुझे तो ये सब करने में मजा आता है ना। कान्हू जी के आने से पहले इसे छुपा दे, कल सुबह सुबह कचरे में फेंक दे। अगर कान्हू जी की नजर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा, और ये तू अच्छी तरह से जानती है। देवा रे देवा, लापरवाही करना कब बंद करोगी तुम? अगर तुम सुधर जाओगे ना तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अब खड़ी क्या है? कान्हू जी के आने से पहले ये सब साफ कर दे। मैं बाजार जा रही हूं किसी काम से।
याद भी नहीं कितने सालों बाद किसी आईने में अपना चेहरा देख रही हूं। नहीं सुननी मुझे, कल कल का तमाशा काफी नहीं था? मतलब तुमने ठान ली है मेरे सीने पे मुंह डालने की? नहीं, नहीं, वो आईना टूट गया था, मैं तो बस साफ कर रही थी, बैठने के लिए उठाया था। मेरे घर में शीशा आया कहां से? काश तेरी सूरत की जगह तेरे सीरत अच्छी होती, मन तेरा सुंदर होता, लेकिन नहीं, सिर्फ अपनी पड़ी है। अगर जरा सी भी मेरी फिक्र होती ना तो तू बार बार एक ही गलती नहीं दोहराती। ठीक हो गई है तू, हाँ? कोई कितना भी समझा ले तू मानेगी नहीं। अब तुझे वो सजा मिलेगी कि जिंदगी भर मेरी बात के खिलाफ जाने से डरेगी तू। चल एक बार आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, एक बार आप मेरी पूरी बात। आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। जरूर करता, अगर तुम माफी के लायक होती तो। तुझे समझ में आएगा, ये पीड़ा तुझे हमेशा याद दिलाएगी तेरी गलती की। तेरे पानी में मेरा हाथ नहीं चला, और ये अजीब सुगंध कैसे आ रही है इस खौलते हुए पानी में से? कपूर, क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं? की लीला है ना मुरलीधर, बीती रात मेरी भूख प्यास अपने आप मिट गई, और आज असंभव भी संभव हुआ है। तब मेरा हाथ चला ना, वो उचित दर्द हुआ, ये आपका ही चमत्कार है। नहीं तो मुझ जैसी मामूली औरत की चिंता और होगी? आप हर युग में आई जाते हैं अपनी भक्तों की मदद करने के लिए।
जब साईं बाबा देखेंगे कि ईश्वर के दर्शन पाने के लिए मुझे इस ठंड की भी परवाह नहीं है तो उन्हें विश्वास होगा मुझ पर। जब तक वो मेरी मदद नहीं करते हैं मैं यहीं रुकूंगा। अंदर धोनी के पास बैठ जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। नहीं साईं, जब तक आप मुझे भगवान के दर्शन नहीं कराएंगे तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, फिर चाहे ठंड हो, गर्मी हो या फिर बरसात। मैंने तुम्हें समझाया था ना, ईश्वर को देखना आसान नहीं है। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो जबरदस्ती हासिल किया जा सकता है लेकिन ईश्वर को नहीं। साईं बाबा, वो सब मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप भगवान के बंदे हैं, केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। और जब तक आप हाँ नहीं कहते मैं यहीं बैठा रहूंगा भूखा प्यासा। अच्छा ठीक है, चलो द्वारका माई में आके सो जा, मैं कल सुबह तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये ईश्वर पर निर्भर करेगा कि वो तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं या नहीं। वो जरूर दर्शन देंगे, बस आप मेरी मदद कीजिए, भगवान मेरी भक्ति को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब अंदर चलो। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जो हुआ वो चमत्कार नहीं तो और क्या था? ना मुझे कोई पीड़ा महसूस हुई, ना ही मेरे हाथ पर जलने की कोई निशान है। परसों से मैं अकेली ही सब कुछ सहती रही, लेकिन शिरडी आते ही महसूस होने लगा है जैसे कोई शक्ति मेरी मदद कर रही है।
सुशीला अपना हाथ दिखाओ। दर्द हो रहा है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है इस तरह का व्यवहार करना? कितनी बार बोला है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरे मन को ठेस पहुंचती हो। अब ना वो आईना तुम घर में लाती और ना मैं। खैर आइंदा ध्यान रखना। मैं नहाने जा रहा हूं, नाश्ता तैयार रखना। जी की बीवी इतनी सुंदर, टाट में मखमल का पैबंद। कान्हो जी, कान्हो जी, ओ कान्हो जी, क्या हुआ? सुबह सुबह आप यहाँ? दरअसल कल शाम को जब बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने सरकार के घर के कुछ शीशे तोड़ दिए, जिसकी वजह से पूरी रात ठंडी हवा घर में आती रही। सरकार ढंग से सो भी नहीं पाए, इसलिए तुम्हें तुरंत वाड़े चलकर जितने भी टूटे हुए शीशे हैं उनकी मरम्मत करानी होगी। और हाँ, जल्दी आना, सरकार को इंतजार की आदत नहीं। जी आज बहुत अच्छा दिन है, तुम तो जानती हो और तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। पसंद करोगी उस जगह को। साईं, नहा धोकर साफ सुथरा हो गया हूं, भगवान से मिलने के लिए तैयार हूं। वो तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। साईं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सबूरी महादेव, इतनी भी क्या जल्दी है? वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे भगवान दिख जाएंगे। साईं, आपने वादा किया था कि आज भगवान दिखाएंगे, उस पल का मैं कितने समय से इंतजार कर रहा हूं। हाँ, लेकिन अभी तो दिन शुरू हुआ है। साईं, जब से मैं शिरडी आया हूं तब से मैं देख रहा हूं आप हर किसी की मदद तुरंत करते हैं, फिर मेरी मदद करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? जबकि आप जानते हैं कि भगवान से मिलने के लिए मैं कितना अधीर हूं, कितना बेचैन हो रहा हूं मैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान तुम्हें खुद को देखने देंगे? क्या कमी है मुझमें? चार वेदों का ज्ञाता हूं मैं, गीता रामायण कंठस्थ है मुझे, रोज सुबह शाम पूजा करता हूं, साधना करता हूं, जहां भी जाता हूं वहां के मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता हूं। भगवान के दर्शन पाने का अधिकार मुझसे ज्यादा और किसे हो सकता है?
उस पेड़ को देखो। हाँ तो जब उसमें फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। हाँ तो साईं बाबा ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? रहम करो, करम करो। नहीं माजी। रहम करो, करम करो। रहम करो, करम करो। माफ कीजिएगा कि रहम करो, करम करो। रहम करो, करम करो। शायद तुम्हें खुश रखेंगे। आगे बढ़, मेहनत की दो रोटी कमा, आलसी कहीं की, काम वाम कुछ करना नहीं बस भीख मांग लो। बेटा इस उम्र में कौन काम देगा मुझे? तुम काम दोगे? हाँ, तुम जैसे निकम्मा नकारा लोगों को सहारा देने का ठेका जो उठा रखा है मैंने, है ना? घर में कोई काम करने वाला नहीं है क्या? है ना, मेरा पोता है आशु। तो वो काम करता है, हम दोनों के लिए वो कमाता है, लेकिन कुछ दिनों से वो बीमार है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये भीख मांगनी पड़ती है। एक पैसा दो। दिन में तुम जैसे 10 भिखारी मिल जाए ना तो उन्हें एक एक पैसा देके खुद को लुटा दूं मैं। ऐसे क्या पेड़ पे उगते हैं? देखो बेटा, साई कहते हैं एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा, साईं कहते हैं? तो जाओ ना अपने उस साईं के पास, मदद मांगो उससे। बड़ा इलाज करते फिरते हैं ना, तो लेके जाओ अपने उस पोते को उनके पास, वो इलाज करेंगे, उसका ठीक करेंगे, फिर तुम्हारा वो पोता जाके कमाएगा तुम्हारे लिए। और तुम ये भीख मांग कर दूसरों को परेशान किस लिए कर रही हो? चलो जाओ यहां से। रुकिए, साई, साई, प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, सुबह से घूम रही हूं, किसी ने एक पैसा नहीं दिया, ऐसा लग रहा है जैसे यहां मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन साईं, जिसका कोई नहीं उसका सहारा आप ही तो है। मैंने कल उदी दी थी आपको, क्या उसका असर नहीं हुआ? बड़ी आस्था के साथ उदी लेके गई थी उसके लिए, लेकिन आशु को यकीन ही नहीं हुआ कि उदी से उसका भला होगा। उदी लेने से उसने इनकार कर दिया। अब तो एक ही उम्मीद है, वो आराम करे, ठीक हो जाए और फिर काम पे जाए। लेकिन साई, खाने पीने के लिए पैसा होना जरूरी है ना? अरे मैं मुश्किल से पैसा नहीं जुटा पाई तो फिर ठीक कैसे होगा? और
शरीर में काम करने की ताकत कहाँ से आएगी? मैं आपकी मदद करूंगा मथुरा दाई। कर दी मदद तुम्हारे साई ने। बहुत बोल रही थी ना। साई ने ऐसा क्यों किया? धन्यवाद साई। अरे तुम्हें अगर कंकड़ पत्थर ही चाहिए थे तो मुझे कह देती, इससे बड़े बड़े पत्थर डाल देता मैं तुम्हारी झोली में। अब लेके जाओ ये कंकड़ पत्थर और पेट भरो अपने उस पोते का। जाओ। पत्थर के रूप में ही सही, साई का आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात है। और ये पत्थर, मेरे लिए पूजनीय है। चलती हूँ साई। राम जी भला करें। साई, उस औरत ने इतनी उम्मीद से आपके सामने झोली फैलाई और आपने पत्थर दिए, क्यों साईं? अपना अपना नजरिया है महादेव। कोई पत्थर को रास्ते की अड़चन समझकर हटा देता है तो कोई उसी पत्थर को तराश कर एक सुंदर सी मूर्ति बना देता है। जैसी इंसान की नीयत, जैसी उसकी श्रद्धा, पत्थर वैसा ही रूप धारण कर लेता है। अभी तो जरम नहीं है, अभी समय है। साई की उदी ले ले। तरह तरह के रोग ठीक किए हो उन्होंने उसी उदी से। नहीं आजी, ये सब अंधविश्वास है। क्या तू ठीक होना नहीं चाहता है? होना चाहता हूँ आजी, और अपने से ज्यादा आपके लिए, ताकि आपको लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। फिर भी खाली हाथ लौटी हूँ। जो भी पाया साई से ही पाया। साई से? उन्होंने क्या दिया? देख बेटा, देख। मदद नहीं कर सकते थे तो ऐसी बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी आपकी। मैं जानता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने उनकी उदी लेने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब पता चला साई की असलियत क्या है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। साई कभी कुछ ऐसा नहीं करते जिसमें लोगों की भलाई ना छिपी हो। उन्होंने जरूर कुछ। आजी, कब आपको साई का ढोंग नजर आएगा?
गलती से उन्होंने 2-4 लोगों का इलाज क्या कर दिया, सब उनके अंधभक्त हो गए। लेकिन मैं औरों की तरह नहीं हूं। गलत था जी, आपके विश्वास की जीत हुई, मुझे आपके विश्वास पे अब विश्वास हो गया। आजी मुझे माफ कर दो, आजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आजी मुझे उदय पिला दीजिए। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हूँ, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आजी एकदम से बेहतर लगने लगा है मुझे। सच? हाँ साई कृपा, साई बाबा, मुझसे भूल हुई आपको पहचानने में। अपने स्वार्थ के कारण से ही आपकी सच्चाई समझ में आई मुझे। पहले दिन सुबह सुबह बुलावा भेज दिया, पहले दिन से शोषण शुरू। नहीं आई, उनके घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए, उसी की मरम्मत के लिए जल्दी बुलाया है। अब शुरुआत है तो काम में तो मन लगाना पड़ेगा ना। आई तो फिर उस हिसाब से पैसे भी अच्छे दे रहे होंगे। कहां अच्छे पैसे आई, महीने के सिर्फ 7 रुपए दे रहे हैं। क्या तो तूने हाँ क्यों की, इतने कम पैसों में हमारा गुजारा कैसे होगा? तो मैं क्या करता आई, पूरा गांव छान मारा, कोई काम नहीं दे रहा था, मजबूरी थी। पर आई इस काम में एक फायदा है, अगर मैं सरकार के लिए काम करूंगा तो किसी की मजाल नहीं होगी जो मुझे ताना मारे। इसके वजह से हमें भूखा मरना पड़ रहा है। पर काना इस मकान का किराया ही 10 रुपए है, तात्या ने कहा है आराम से पैसे देना, लेकिन देने तो 10 रुपए ही होंगे ना। तुम कह रहे थे कि तात्या सज्जन इंसान है, लेकिन वो कब तक अपनी सज्जनता दिखाएगा? और फिर महीने का किराना, सब्जियां, लकड़ी, उपले, कम से कम 30 रुपए तो तनख्वाह होनी चाहिए थी। इतने कम में भला हम तीनों कैसे रहेंगे? तो क्या घर बैठे बैठे अपने आप 30 रुपए आ जाएंगे?
एक तो कोई काम नहीं दे रहा था और जो तैयार हुए उन्हें लगता है कि मैं 30 रुपए पाने के लायक नहीं हूं। सासु भाई, आप बिल्कुल सही कह रही है। 7 रुपए में हमारा घर नहीं चलेगा। अगर आप कहे तो मैं कुछ काम करूं, शायद कुछ। क्या कहा तुमने? बाहर जाके काम करेगी? बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के बीच खुलकर घूमने का? नहीं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती। मेरी मदद करना चाहती है? या ये जताना चाहती है कि मैं बेकार हूँ? तो लोगों को ये जताना चाहती है कि मैं काफी नहीं हूँ अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, जरूरतें पूरा करने के लिए? बेटा खाना तो खा ले। बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया कर। मैं जानती हूं कि घर में पैसे की बड़ी तंगी है, पर हर बात कहने का एक समय होता है, तरीका होता है। क्या ये सही समय था जब वो अपनी नौकरी को लेके पहले से ही परेशान है? और तुमने सोचा भी है कि तुम करोगे क्या? बस जी में आया बोल दिया और बेचारे को ढंग से खाने भी नहीं दिया तुमने। सुबह हम कैसे गुजारा करेंगे? मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आ गया है कपिला, चलते हैं।